तो आज मैं आपको मखाना रेसिपी दे रही हूँ। तो ये घुटने के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैंने मखाने भून लिए हैं एक चम्मच घी डाल के, आप रिफाइंड भी डाल सकते हो। मैंने घी डाल के भून लिया है इसे। अब मैं एक प्लेट में इसे निकाल लूँगी। मैं सारा ये मखाना एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो दोस्तों, मैंने सारे मखाने एक प्लेट में भून के निकाल लिए हैं घी में। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी, गैस को ऑन कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी। मैं इसमें देसी घी का यूज करूंगी, आप रिफाइंड का भी कर सकते हो। इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना घी को, बस हल्का ही गुनगुना हो चुका है मेरा घी। ये मैंने गुड़ काट के इस तरीके से रखा हुआ है, मैंने छोटे छोटे गुड़ काट लिया था। तो दोस्तों, मैंने सारा गुड़ इसमें डाल दिया है। गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। तो इसमें 2 मिनट का टाइम लग जाएगा आपको गुड़ को मेल्ट होने में। जल्दी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने छोटा छोटा काट लिया था इसे। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हो चुका है। अब मैं इसमें मखाना डाल दूंगी। तरीके से मैट हो चुका है दोस्तों। अब इसमें मखाना डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, गुड़ की कोटिंग हो जाएगी सभी मखानों पर। अच्छे से कोटिंग कर देंगे सभी मखानों के ऊपर। तो ये दोस्तों मगज है मेरे पास, थोड़ा सा इसमें मगज डाल दूंगी। मैं तिल डाल दूंगी इसके अंदर, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। गैस को फ्लेम बंद कर दूंगी, हल्का सा ज़्यादा ही थोड़ा सा भून गया है, पर कोई बात नहीं, खाने में टेस्ट होता है।
ये दोस्तों रेडी हो चुके हैं। अब हमें इनको ठंडा करना होगा। तो दोस्तों मैंने ये एक प्लेट में निकाल लिया है, अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी, फिर बाद में इसको हम अलग अलग कर देंगे।